Hey everyone, subscribe the channel, hit the notification bell, then you will be notified every time when I am on YouTube. Hello everyone, thanks for watching my video. आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं मैथमेटिक्स पोर्शन फॉर आर्मी एग्जाम्स. फर्स्ट हमारा टॉपिक होगा नंबर सिस्टम. जैसे कि आप जानते हैं कि जितने भी टेस्ट होते हैं, बैंकिंग एग्जाम्स हो गए, एसएससी एग्जाम्स हो गए, टैट एग्जाम जो होते हैं आपके, ये जितने भी आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स हैं उनमें मैक्सिमम में आपको नंबर सिस्टम यानी कि बेसिक डिटेल आपको मैथ्स की पता होनी चाहिए, तभी आप आगे क्वेश्चंस कर पाते हैं. तो आज हम बेसिक स्टार्ट करेंगे. अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें, शेयर करें, ताकि हम जल्दी से बाकी क्वेश्चंस भी कर पाएं और बाकी हम सीरीज भी क्वेश्चंस की करेंगे. आज हम बेसिक चीज़ें सीखेंगे, साथ में कुछ क्वेश्चंस भी साथ में सॉल्व करेंगे. तो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज नेचुरल नंबर्स? अब नंबर सिस्टम है तो हर एक नंबर के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए. ये आपको सिक्स्थ और सेवन्थ से पढ़ा दिया जाता है, तो हम थोड़ा सा रिवाइज ही करेंगे एक टाइप से, काफ़ी को नॉलेज होगा इस चीज़ का. नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? ऑब्वियसली जो काउंटिंग होती है हमारी, काउंटिंग हमारी 1, 2, 3, 4 सो ऑन इस टाइप से स्टार्ट होती है ना, लाइक एन इज इक्वल टू 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन. एंडिंग तो कुछ भी नहीं, इनफाइनाइट नंबर्स हैं. ठीक है, एक चीज़ और, जो ऑल पॉजिटिव, अब इंटीजर्स के बारे में भी हम आगे बात करते हैं. इंटीजर्स क्या होते हैं? इंटीजर मतलब हर एक नंबर, जैसे माइनस वन भी हो गया, वन भी हो गया, यानी कि माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी. ठीक है, नेक्स्ट हमारे नंबर आते हैं होल नंबर. होल नंबर यानी कि जो नेचुरल नंबर है उनमें जीरो मिक्स कर लीजिए, वो सारे आपके होल नंबर्स हो गए. ठीक है, जीरो से स्टार्ट हो रहे हैं आगे पूरे सो ऑन नेचुरल नंबर. एक इससे हमें ये पता लगता है कि हम नेचुरल नंबर्स को ये बोल सकते हैं कि ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर्स. ठीक है, बट ऑल होल नंबर्स आर नॉट नेचुरल नंबर, क्योंकि जो होल नंबर्स होते हैं उसमें जीरो भी इंक्लूडेड होती है. ठीक है, अब इंटीजर्स की मैंने बात की, वो क्या होते हैं? ऑल नेचुरल नंबर्स, जीरो एंड इन नेगेटिव्स ऑफ नेचुरल नंबर्स. हम ऐसे भी इनको याद कर सकते हैं. ठीक है, अब माइनस इन्फिनिटी से लेके प्लस इन्फिनिटी तक. ठीक है, माइनस के भी और प्लस के भी. ऑल नेचुरल नंबर्स, जीरो एंड नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर्स. ठीक है, नेक्स्ट है रैशनल नंबर्स क्या होते हैं. आप जानते हो कि जो पी वाई क्यू की फॉर्म में होते हैं उनको हम बोलते हैं आपका रैशनल नंबर्स. और क्यू जो है जीरो नहीं होनी चाहिए. अगर क्यू जीरो हो गया तो आपको पता है कि किसी भी चीज़ से अगर हम डिवाइड करते हैं जीरो से तो वो अनडिफाइंड चीज़, अनडिफाइंड हो जाती है वो चीज़. ठीक है, तो हम इसको डिनोट किया क्यू से भी हम करते हैं रैशनल नंबर को. सो फॉर एग्जाम्पल 1/2 हो गया. अगर आपके पास सिंपल कहीं 5 भी लिखा है तो हम उसको बोल सकते हैं कि वो रैशनल नंबर है, बिकॉज जिनके नीचे कुछ डिनोमिनेटर नहीं होता है उनके नीचे 1 तो होता ही है. ठीक है, सो ऑल नंबर्स विच आर इन फॉर्म ऑफ पी वाई क्यू. तो आप 5 को भी इस फॉर्म में लिख सकते हो, 0 को भी 1. ठीक है, 0/1 लिखोगे आप तो वो भी एक रैशनल नंबर ही बन रहा है, पी वाई क्यू की फॉर्म में आ रहा है. ठीक है, नेक्स्ट है इरेशनल नंबर्स. इरेशनल नंबर मतलब जो रैशनल है उनके अलावा जो बचते हैं आपके वो इरेशनल नंबर होते हैं. इनकी नंबर्स विच कैन नॉट बी रिटन इन फॉर्म ऑफ, जिनको हम इस फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं. ठीक है, कि वो ऑब्वियसली जीरो नहीं होगा, इनकी जिनको हम सॉल्व नहीं कर पाते, या इन डेसिमल फॉर्म में हम लिख सकते हैं उनको, जे आर नाइदर टर्मिनेटिंग नॉर रिपीटिंग. टर्मिनेट भी नहीं होते, जैसे हमारे पास है 2/4 है. ठीक है, तो ये आपके पास आ जाएगा 1/2, यानी कि 0.5 हम इसको लिख सकते हैं, यानी कि यहाँ पे खत्म हो जा रहा है, इससे आगे आप इसको पॉइंट में भी सॉल्व नहीं कर पा रहे, टर्मिनेट हो जा रहे हैं. लेकिन ऐसे नंबर जिनको हम टर्मिनेट भी नहीं कर पाते, यानी कि वो खत्म नहीं होते और ना ही वो रिपीट हो रहे हैं. रिपीट मतलब जैसे 0.5 आ गया, आगे फिर 5, 5, 5 वैसे करके, वैसे भी नंबर नहीं होते, तो इनको हम बोलते हैं इरेशनल नंबर्स. ठीक है, नेक्स्ट आए आपके रियल नंबर्स. रियल नंबर मतलब इन सब नंबर को, जो भी हमने पीछे नंबर पढ़े, नेचुरल नंबर्स हमने पढ़े, होल नंबर्स हमने पढ़े, इंटीजर्स हमने पढ़े, रैशनल नंबर पढ़े, इरेशनल नंबर, तो इन सबको मिला के जो बनते हैं वो रियल नंबर्स होते हैं. ठीक है, तो रियल नंबर्स इंक्लूड बोथ रैशनल नंबर एज वेल एज इरेशनल नंबर्स. ठीक है, पॉजिटिव और नेगेटिव कुछ भी, लार्ज और स्मॉल, होल नंबर्स, डेसिमल नंबर्स, ऑल आर रियल नंबर्स. एक सिंपल सी डेफिनेशन मैं इनकी बताऊं कि ऐसे नंबर जिनका स्क्वायर जो होगा वो पॉजिटिव होगा उनको हम रियल नंबर कहते हैं. अब आप माइनस वन ले लो चाहे जो मर्जी नंबर ले लो, उसमें आपके सारे अगर आप स्क्वायर करते हो तो वो रियल मतलब वो पॉजिटिव ही आएंगे. ठीक है, तो उनको हम रियल नंबर्स बोल सकते हैं. अगर आप ऐसे याद करना चाहें तो ऐसे कर सकते हैं. अब रियल नंबर होगी इमेजिनरी. इमेजिनरी के नाम से ही पता चलेगा कि इमेजिन किए गए हैं वो नंबर. ठीक है, अब इमेजिनरी नंबर इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर. कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में आपने सुना होगा,
कॉम्प्लिकेटेड नंबर, ठीक है, दैट कैन बी रिटन एज अ रियल नंबर मल्टीप्लाइड बाय द इमेजिनरी यूनिट आई एंड विच इज डिफाइंड बाय इट्स प्रॉपर्टी दैट, अब यहाँ पे जो आता है वो आई स्क्वायर जो होता है वो होता है माइनस वन के बराबर, ठीक है। तो इस टाइप के नंबर्स को हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर या फिर इमेजिनरी नंबर हम इनको बोल सकते हैं, ठीक है। अब जीरो जो है उसको हम रियल भी बोल सकते हैं और इमेजिनरी, उसको वो दोनों चीजों में इंक्लूड किया गया है, ठीक है। अब आते हैं प्राइम नंबर्स कहते हैं। प्राइम नंबर आपने जानते भी होंगे, लेकिन प्राइम नंबर फिर भी मैं बता देती हूँ, वो एक नेचुरल नंबर होते हैं, वन से बड़े होते हैं और वो डिविजिबल होते हैं ओनली वन से और इटसेल्फ खुद से, ठीक है। जैसे 2, 3, 5, 7, 11 इनको आप सिर्फ वन से डिवाइड कर सकते हो ओनली और खुद इनसे, और किसी भी नंबर से आप इनको डिवाइड नहीं कर सकते। और एक चीज और है कि 2 एक इकलौता इवन नंबर है जो आपका प्राइम नंबर भी है, ठीक है। बाकी सारे ऑड नंबर ही होते हैं जो भी प्राइम नंबर है, 2 को छोड़। अब कंपोजिट नंबर क्या होते हैं? अ नंबर अदर देन 1 विच इज नॉट अ प्राइम नंबर, ऑब्वियस इससे जो अपोजिट नंबर बचे जिसके 1 और उसके अलावा और भी ज्यादा फैक्टर्स हों, और भी नंबर से उसको हम डिवाइड कर पाए, जैसे 4 है, इसको हम 1 से भी डिवाइड कर सकते हैं, 2 से भी डिवाइड कर सकते हैं और 4 से भी डिवाइड कर सकते हैं। जैसे 8 है, इसको हम 1 से भी कर सकते हैं, 2 से भी कर सकते हैं, 4 से भी कर सकते हैं, 8 से भी कर सकते हैं, इनके अलावा जो बचते हैं प्राइम नंबर के अलावा उनको हम कंपोजिट नंबर बोल सकते हैं, ठीक है। अब एक और चीज ये है कि 1 जो है वो ना ही तो वो प्राइम नंबर है और ना ही वो कंपोजिट नंबर है, ठीक है। और 2 देयर आर 25 प्राइम नंबर्स बिटवीन 1 to 100। सेकेंड पॉइंट ये है कि जो 1 से लेके 100 तक जो आपके टोटल प्राइम नंबर्स हैं वो हैं 25, ठीक है। अब नेक्स्ट है, अब आप कैसे फाइंड आउट करेंगे कि प्राइम नंबर्स, ये प्राइम नंबर है या नहीं है? नॉर्मल तो हम बता सकते हैं, लेकिन अगर हाई वैल्यू आए तो उसको हम कैसे बताएंगे प्राइम नंबर है या नहीं है? तो उसके लिए हम फर्स्ट ऑफ ऑल करेंगे कि कोई भी इंटीजर लेंगे लार्जर देन द स्क्वेयर रूट ऑफ द नंबर। अगर मान लो कोई आपके पास नंबर है 87, ठीक है। अब हमने क्या करना है, इसका स्क्वेयर रूट लेना है अप्रोक्सीमेटली, ठीक है। तो हम इसका अप्रोक्सीमेटली ले सकते हैं 9, ठीक है। 9 स्क्वेयर हो जो करेंगे हम तो 81 आते हैं, इनके अप्रोक्सीमेट इसके आसपास ही आ रहा है, ठीक है। अब क्या करेंगे, जो इसके नीचे वाले प्राइम नंबर है, इस 9 से नीचे वाले प्राइम नंबर कौन कौन से होंगे? एक हो गया आपका 2 हो गया, एक हो गया आपका 3, एक हो गया आपका 5 और एक हो गया आपका 7, ठीक है। अब इन सब से डिवाइड करेंगे 87 को, तो 2 से डिवाइड करेंगे तब तो होगा नहीं, 3 से कर रहे हैं तो ये डिवाइड हो जा रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये प्राइम नंबर नहीं है, या अगर कोई और नंबर होता, ठीक है, और वो इन चारों में से किसी से भी डिवाइड नहीं होता तो हम बोलते कि ये प्राइम नंबर है, ठीक है। यही चीज इन 4 पॉइंट्स में लिखी गई है। जैसे एक एग्जांपल है 881, ठीक है, ये प्राइम नंबर है या नहीं है? तो अप्रोक्सीमेटली अगर हम 900 के आसपास देखें, 900 का जो स्क्वायर रूट होता है वो होता है 30, तो हम इसको 30 के अप्रोक्सीमेट मान सकते हैं इसका स्क्वायर रूट। अब 30 से नीचे जितने भी आपके प्राइम नंबर्स हैं, ये आपके प्राइम नंबर है 30 से नीचे, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23 एंड 29। अब इन सब से आपने डिवाइड करना है 881 को, तो 881 किसी में से भी डिवाइड नहीं होगा, ठीक है, तो ये आपका प्राइम नंबर हो गया। आप ऐसे प्राइम नंबर चेक कर सकते हैं कि कौन से हैं और कौन से नहीं हैं। नेक्स्ट है, को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? को प्राइम नंबर वो होते हैं जैसे जिनका एचसीएफ जो होता है वो 1 होता है, पेयर होता है ये नंबर। प्राइम नंबर आपको पता लग गए, को जब लग गया ऐसे नंबर जिनके अगर हम पेयर लें, जैसे 2 और 3 ले रहे हैं हम, इन दोनों में कॉमन क्या चीज है? 1 है ना। एचसीएफ आपको निकालना आता होगा, कॉमन हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है, 3, 4 हो गए। अब 4 अगर हम सिंपल 4 लें वो तो प्राइम नंबर नहीं है, लेकिन अगर हम 3 और 4 इकट्ठे ले रहे हैं तो वो को प्राइम नंबर कहला रहे हैं, बिकॉज उनमें कॉमन डिफरेंस है, सॉरी कॉमन जो फैक्टर है वो 1 ही है। 3 और 13 हो गए, ठीक है, आपके पास हो गया 6 एंड 17 होगी, ठीक है। तो इसमें आपका कॉमन चीज क्या है? 6 इवन आपका प्राइम नंबर नहीं है, लेकिन अगर हम इन दोनों को इकट्ठा एक पेयर में ले रहे हैं वो हम को प्राइम बोल सकते हैं, क्योंकि इन दोनों में जो आपका कॉमन फैक्टर है वो 1 ही है, ठीक है, तो वो होंगे आपके को प्राइम नंबर्स।
अब इवन नंबर्स हैं, बहुत इजी बात है, ऐसे नंबर जो 2 से डिविजिबल होते हैं, तो 2, 4, 6, 8 ये सारे आपके इवन नंबर्स होंगे। अब ऑड नंबर्स कौन से होते हैं, जो आपके 2 से डिवाइड नहीं होते, यानी कि जिनके अलावा नंबर बच जाते हैं वो आपके ऑड नंबर्स कहलाते हैं। नेक्स्ट है कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स, अ सीरीज ऑफ नंबर इन विच द सक्सीडिंग नंबर इज ग्रेटर देन द प्रीसीडिंग नंबर बाय 1 एंड इज कॉल्ड अ सीरीज ऑफ कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स। लाइक जैसे 1, 2, 3, 4 इनके जो एक रेगुलर वे में आ रहे हैं आपके पास, ठीक है, उनके पीछे कोई गैप नहीं है। लिखा भी है कि जो अगला नंबर होगा वो पिछले नंबर से एक ज्यादा होगा ओनली, जैसे 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 कुछ इस टाइप के जो सीरीज बनती है उनको हम बोलते हैं कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स। ठीक है, कि अगर आपके पास क्वेश्चन आता है कि पी एंड क्यू आर कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स, तो हम बोल सकते हैं कि अगर पी वन है तो क्यू जो होगा वो 2 होगा। ठीक है, नेक्स्ट है अब काउंटिंग के ऊपर कुछ रूल्स हैं। जैसे अब आपको बोला जाए कि 1 से लेके 5 तक के नंबर का सम बताइए, ठीक है, तो 1 से लेके 5 तक के नंबर का आप सम कैसे निकाल पाएंगे? आप पहले 5 + 4 करेंगे 9, 9 + 3 करेंगे 12, 12 + 2 करेंगे 14 और एक 15, ठीक है, सभी को प्लस कर लिया। लेकिन आपको से पूछा है 1 से लेके 100 तक नंबर का सम बताइए, तो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है। तो आपने सिंपल ये वाला फॉर्मूला याद रखना है, n इंटू एन प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। अब n क्या है? जितने आपका नंबर आपसे नेचुरल नंबर का सम पूछा होगा, ठीक है। अगर मान लो आपके पास 20 नंबर का सम पूछा है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 20 नेचुरल नंबर, तो आप क्या करेंगे, n की वैल्यू यहाँ पे n की जगह 20 पुट करेंगे, यहाँ भी 20 पुट करेंगे, तो आपको रहेगा 20 × 21 डिवाइड बाई 2, तो आपके पास आ जाएगा 210। सीधा आंसर आ गया अगर आपको ये फॉर्मूला याद होगा तो, ठीक है। अब आपने निकाला है फाइंड द सम ऑफ नंबर्स फ्रॉम 11 to 20, अगर इस टाइप में क्वेश्चन आए तो आप कैसे कर पाएंगे? अब इसमें क्या करना है, 1 से लेकर 20 तक का सम तो आपको पता लग गया 210 है, अब 11 से 20 पूछा हुआ है ना, तो हम क्या करेंगे 1 से लेकर 10 तक का भी निकाल लेंगे, वो आपका 55 आ गया। ये 1 से 20 तक है और 1 से 10 तक है, अगर हम इसमें से इसको माइनस कर देते हैं हमारे पास कौन सा बचता है, ओनली 11 से 20 तक का बचता है, तो माइनस कर लीजिए 155 आंसर आ जाएगा। क्या अब एक और चीज, जैसे आपसे पूछा जाए कि 1, 3, 5, 7, 9 ये कौन से नंबर हुए, ये आपके ऑड नंबर है। अगर आपको सम ऑफ फर्स्ट एन ऑड नंबर्स के बारे में पूछा गया है, तो आपने इनको प्लस करने नहीं लगना है, आपने डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करना है, वो है एन स्क्वायर। अगर आपसे बोला है कि फर्स्ट 10 ऑड नंबर का सम बताइए, तो आपने ये नहीं काउंट करना है पहले कि 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7, ऐसे नहीं करना है। आपने 10 का पूछा है, 10 का स्क्वायर करो, सीधा आपका 100 आ जाएगा और ये आपका आंसर होगा। ठीक है, कितना ईजी है, आप याद कर लीजिए फॉर्मूलेज। अब जैसे ये पूछा है फाइंड द सम ऑफ दिस 9, 11, 13 + 29, अगर आप प्लस करना चाहें तो आप प्लस कर सकते हैं जैसे आपको ठीक लगे, आप एपी से भी कर सकते हैं, अगर आपने एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को आप अच्छे से आती होगी तो आप वैसे भी कर सकते हैं, या फिर अगर अभी हम नंबर सिस्टम की बात कर रहे हैं तो उसमें आप कैसे करेंगे, तो 1 + 3 + 5 + 29, ठीक है, हम सभी तक प्लस करेंगे 1 से लेकर 29 टर्म्स तक। ठीक है, तो टोटल कितनी टर्म होंगी यहाँ तक, आप यहाँ पे आपको नंबर काउंट करने पड़ेंगे कि और नंबर आ कितने रहे हैं इनके बीच में, सो वो होंगे आपके पास 15, ठीक है। अब ऑड नंबर यहां तक काउंट करने का भी एक तरीका ये होता है कि आपने क्या करना होता है, n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2, तो यहाँ पे कितने हैं आपके पास 29 तक जा रही है टर्म्स, तो 29 प्लस 1 30, 30 बाय 2 15, तो आप ऐसे ऑड नंबर भी कैलकुलेट कर सकते हो कि कितने ऑड नंबर है। तो सबका सम निकाल लीजिए 225, 15 का स्क्वायर इतना ही होगा, एज देयर आर 15 नंबर्स, ठीक है। सो अब इनका जो है ये एक्स्ट्रा है, 7 तक एक्स्ट्रा है, तो यानी कि 4 टर्म्स है पूरे, तो यानी 16, तो इसमें से आपको 16 माइनस कर लीजिए, आपके पास 209 आ जाएगा। ठीक है, अगर इस फॉर्मूले से आप करना चाहें तो आपके लिए ये भी ईजी है, अगर आप एपी से करना चाहते तो आप वो भी कर सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट है सम ऑफ फर्स्ट एन इवन नंबर्स, ये तो हो गई आपकी ऑड नंबर्स की बात। अगर हमसे पूछा जाए कि इवन नंबर्स कितने होंगे, तब आप कैसे करेंगे, करेंगे जो आपका n है n इंटू एन प्लस 1 करके, ये वाला फॉर्मूला आप इवन नंबर के लिए याद रखेंगे। ठीक है, अब जैसे है व्हाट इज द सम ऑफ इवन नंबर्स बिटवीन 1 एंड 50, ठीक है, तो नंबर ऑफ, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि इवन नंबर्स कितने आएंगे, तो कैसे निकालेंगे हम 50 डिवाइडेड बाय 2, इवन नंबर हम कैसे फाइंड काउंट करेंगे n बाय 2, ठीक है, और
अगर आपके पास देखो एक चीज और देखी होगी आपने, यहाँ पे आपका लास्ट जो है वो है आपका 50 है, तो आपने क्या किया डायरेक्ट डिवाइड किया। अगर इवन नंबर हमें निकालने थे, अगर हमें ऑड निकालने होते तब भी हम ऐसे ही करते, 50/2 ही करते, वो 25 वहां बच जाते। और यहाँ पे जो आपका एंड था वो था 29, यहाँ पे हमने जो आपके नंबर निकाले ऑड नंबर वो आए आपके n+1/2 करके आए, ठीक है। अगर आपको यहाँ पे इवन नंबर निकालने होते इसी सीरीज में तो आपको n माइनस वन करना पड़ता है, यानी कि आपके पास आता 28, 28 को डिवाइड करते हम 2 से तो आपके पास आता 14, क्या। और सम ऑफ इवन नंबर n के टोटल हो गए 25, तो फॉर्मूला आपको पता है n(n+1) व्हिच इज इक्वल टू 650, इजी हो गया, ठीक है। अब निकालनी है फाइंड द वैल्यू ऑफ 12 + 14 + 30, इसको भी आप दो तरीकों से कर सकते हैं, ये तो एपी अगर आप जानते हो अच्छे से तो आप कर सकते हैं, फर्स्ट टर्म कॉमन डिफरेंस, ठीक है, और लास्ट टर्म भी है आपके पास तो आप SN करके निकाल सकते हो। और अगर आपके पास ऐसे नहीं करनी है आपने, तो आपने काउंट करने हैं 30 तक कितने इवन नंबर्स हैं, तो कितने होंगे 15 इवन नंबर्स होंगे, ठीक है, उन सबका सम निकाल लेंगे, 2 + 4 + 6 आपको आंसर आएगा 240। फिर उसके बाद हम जैसे हमने पीछे किया, बाकी जो एक्स्ट्रा टर्म्स हैं हमें नहीं चाहिए उनको हम रिमूव, उनका भी अलग सम निकाल लेंगे और एंड में दोनों को माइनस कर देंगे। नेक्स्ट टॉपिक है कि अगर हमें स्क्वेयर्स का सम निकालना है, जैसे स्क्वेयर्स ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स आपने निकालने हैं, तो हम कैसे करेंगे। अगर थोड़े ही होंगे जैसे 5 तक है, 5 स्क्वेयर तक आपने निकाले वो तो आप सॉल्व करके भी निकाल सकते हो, लेकिन अगर ज्यादा टर्म्स आ गई तो आप कैसे निकालेंगे, तो हम ये वाला फॉर्मूला याद रखेंगे n(n+1)(2n+1)/6, ठीक है। इस फॉर्मूले से हम निकाल सकते हैं, जैसे आपके पूछ रहा है 1 से लेकर 10 तक का आपको स्क्वेयर का सम निकालना है, तो हम इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। 10 टर्म्स हैं, 10 × 10+1 2 × 10+1/6, एंड इसको सॉल्व करेंगे जब हम, तो आपके पास आ जाएगा 385। नेक्स्ट हम चलते हैं सम ऑफ, अब स्क्वेयर्स हो गया, अगर हमें क्यूब्स की बोले जाए तो आप कैसे निकालेंगे। तो क्यूब के लिए आपके सिंपल फॉर्मूला है, जो आपका फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर सिंपल सम था उसको जस्ट स्क्वेयर कर देना है, जो आपका आंसर आता है उसको स्क्वेयर कर दो। अगर आपको ये फॉर्मूला याद नहीं रहता है तो आपने क्या करना है, जो आपका सम है, ठीक है, सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर वो क्या होता है n(n+1)/2, वही है ना, बस वही है, उसको स्क्वेयर करना है। अगर आपको क्यूब में पूछे जैसे 1³ + 2³ + 3³ + 5³ तक पूछा है मान लो, तो 5 × 5+1/2² तो आपका आंसर आ जाएगा 225, ठीक है। अब नेक्स्ट है आपका डिविजिबिलिटी रूल। तो डिविजिबिलिटी रूल में क्या होता है कि अगर मान लो कि जो नंबर है भाई 2 से हम कैसे पता लगे कि 2 से डिवाइड है, 2 का तो ऑब्वियस है कि अगर नंबर जो है वो इवन नंबर है या फिर 0 है तो ऑब्वियसली वो 2 से डिवाइड होगा, जैसे हो गया 0 हो गया, 2 हो गया, 82 हो गया, 1982 हो गया, तो उसको हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं क्योंकि लास्ट में आपका 2 आ रहा है, वो इवन नंबर है, ठीक है। अब 3 से कैसे पता लगेगा, आपने क्या करना है, जैसे आपके पास है 1 + 5, दो नंबर्स हैं, एक मतलब ये टोटल एक नंबर है, आपने इन दोनों को प्लस करना है आपस में 6, तो 6 को आप 3 से डिवाइड कर सकते हैं ना, तो यानी कि ये नंबर भी आपका 3 से डिवाइड हो जाएगा, चाहे आप कितनी भी बड़ी टर्म्स हो उसको अगर आप प्लस कर रहे हैं, जैसे 1 1 1 1 1, ठीक है, यहाँ पे 2 1, ये टोटल टर्म है, इन सबको आप प्लस कीजिए, अगर ये इनका सम जो है वो 3 से डिविजिबल है, यानी कि आपका नंबर भी डिविजिबल, तो 1 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 है तो 8 डिवाइड नहीं करता है, नहीं होता है 3 से, तो हमें यानी कि ये नंबर आपका 3 से डिविजिबल नहीं है। अब 4 के लिए कैसे चेक करेंगे, यहाँ पे हम चेक करेंगे लास्ट 2 डिजिट, शुरू में चाहे जो मर्जी हो, 2 4 9 6 8 4 4, अब हमें देखने क्या होता है लास्ट 2 नंबर्स, अब 44 है ऑब्वियसली 4 से डिवाइड होगा, तो ये नंबर सारा 4 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है, इजी है। नेक्स्ट है आपका, आपने डिविजिबिलिटी बाय 5 कैसे आप चेक करनी है, तो उसके लिए सिंपल है, बहुत इजी है, आपने देखना है कि लास्ट जो डिजिट है वो आपका जो है वो 5 है या 0 है, अगर 5 है या 0 है तो ऑब्वियसली वो नंबर डिवाइड होगा, चाहे नंबर 1000 है, 1 लाख है, 1 करोड़ है, लास्ट में 0 है, ठीक है, दैट मीन्स वो डिवाइड होगा 5 से, 1 करोड़ 5 है लास्ट में, तब भी वो 5 से डिवाइड हो जाएगा,
फाइव और जीरो, ठीक है। अब डिविजिबिलिटी बाई सिक्स हम कैसे करेंगे, अगर जो नंबर है मान लो आपके पास नंबर है 12, अब आपने चेक करना है कि वो 2 से डिवाइड हो रहा है या नहीं, ऑब्वियसली 2 से डिवाइड हो रहा है, 3 से कैसे चेक करेंगे, 2 प्लस 1 3, यानी कि 3 डिवाइड होगा 3 से, तो ये दोनों से नंबर डिवाइड हो रहा है तो इस मतलब वो 6 से भी डिवाइड होगा। आपने 6 के लिए पहले 2 से चेक करना है और 3 से चेक करना है, क्लियर। अब 8 के लिए कैसे करते हैं हम, अगर लास्ट 3 डिजिट जो है वो डिवाइड होते हैं 8 से, ठीक है, या फिर और द लास्ट 3 डिजिट और नंबर्स आर 0, अगर लास्ट 3 डिजिट जो है नंबर की वो 0 है तो वो नंबर डिवाइड होगा 8 से। एग्जाम्पल लेके देख लेते हैं, 4000, लास्ट 3 डिजिट 0 हो गए, डिवाइड करो 8 से, आपके पास आ जाएगा 500, लास्ट 3 डिजिट 0 होंगे तो, या फिर लास्ट 3 डिजिट ऐसे हो जो 8 से डिवाइड होते हो, ठीक है। अगर हम यहाँ 800 लिख देते हैं तो होगा आपका ये डिवाइड या नहीं होगा, 8 से अगर हम इसको करते हैं तो यहाँ आ जाएगा 6 और 600 ऑब्वियसली, ठीक है, तो होगा। अब 9 से चेक कर लेते हैं कि इफ सम ऑफ ऑल द डिजिट्स ऑफ नंबर इज डिविजिबल बाय 9, अब इसमें भी वही है जैसे 3 का रूल था, सभी नंबर को सम करना है और अगर वो नंबर डिविजिबल होता है 9 से तो वो ऑब्वियसली डिवाइड होगा, जैसे 81 है तो 8 प्लस 1 इज 9, तो 9 ऑब्वियसली 9 से डिवाइड होगा तो 81 भी होगा। अब 10 के लिए सिंपल है कि लास्ट डिजिट जो होना चाहिए 0 होना चाहिए, तो आपका जो नंबर है वो आपका 10 से डिवाइड हो जाए, क्लियर। डिविजिबिलिटी बाई 11 कैसे चेक करते हैं, इफ द सम ऑफ डिजिट्स एट ऑड एंड इवन प्लेसेस आर इक्वल और डिफर बाय डिविजिबल बाय 11, ठीक है। अगर मान लो कोई नंबर लिखा है आपने 5, 4, 3, 2, ठीक है, ऐसा आपने नंबर लिखा हुआ है, ठीक है। अगर सम ऑफ डिजिट एट ऑड, ठीक है, ऑड प्लेसेस यानी कि ये ऑड पे है 1 और ये 3, ये भी है, तो 5 प्लस 3 यानी कि 8 हो गया, एंड इवन प्लेसेस आर इक्वल, 4 प्लस 6 2, तो ऑब्वियसली वो 6 है, इक्वल नहीं है, या फिर डिफर बाय 11, डिफर बाय ये नंबर, कोई ऐसा नंबर जो 11 से डिविजिबल हो, तो ऑब्वियसली 2 है तो 2 तो 11, 2 को डिवाइड तो करेगा नहीं, यानी कि ये वाला नंबर तो 11 से डिविजिबल नहीं है, ठीक है। जैसे 121 है, सिंपल एग्जाम्पल लेते हैं हम 121, अब इसमें ऑड नंबर देखते हैं क्या है, 1 प्लस ये हो गया आपका 2, ये ऑड वाले की है ना, ये है 1 और ये वाला जो ये थर्ड प्लेस पे इनकी ऑड प्लेसेस पे है, तो 1 प्लस इनकी दोनों जो है वो इक्वल है, तो ऑब्वियसली वो 11 से डिवाइड होगा, या फिर अगर इन दोनों में डिफरेंस ऐसा आता कि 11 का डिफरेंस होता, 22 का डिफरेंस होते, इनके ऐसे नंबर जो 11 से डिविजिबल होते तो हम बोल देते कि वो 11 से डिवाइड हो रहा है, क्यों। अब डिविजिबिलिटी बाय 12 हम चेक करते हैं, तो नंबर विच इज डिविजिबल बाय बोथ 3 एंड 4 इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 12, अब इसमें चेक करने हैं आपके 3 एंड 4, तो 3 एंड 4 यानी अब हम कोई एग्जांपल लेते हैं जैसे 144, तो 3 से चेक कर लेते हैं, इन दोनों को प्लस कीजिए, 4 प्लस 4 8 और प्लस 1 9, तो 9 तो डिविजिबल है 3 से, अब ये 4 से डिविजिबल है ये नहीं, तो 4 के लिए हमें लास्ट 2 डिजिट चेक करने हैं, वो होंगे आपके पास 44, तो ऑब्वियसली वो डिवाइड करेंगे, डिविजिबल है 4 से, ठीक है। तो अगर ये टर्म पूरी 3 और 4 से डिविजिबल है तो ऑब्वियसली वो 12 से भी डिविजिबल होंगी, ठीक है। सो आज के लिए इतना ही, होप आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा, हमने डिविजिबिलिटी रूल देखे और स्टार्टिंग में हमने कुछ क्वेश्चन किए और आपको मैंने आपको फॉर्मूलाज भी बताए जो आपको याद रखने हैं, ठीक है। सो होप आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा, तो नेक्स्ट के लिए अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें और शेयर कर दें, ताकि आपकी जो एग्जाम्स हैं आर्मी से रिलेटेड उसके हम आपको अच्छे से अच्छे मार्क्स आए और हम बेसिक से लेके हर एक क्वेश्चन के टाइप के क्वेश्चन सीख पाए। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है आप इंस्टाग्राम पे क्वेश्चन फॉलो करके आपका मैसेज सेंड कर सकते हो और यूट्यूब पे कमेंट कर सकते हो या फिर मेल कर सकते हो, आप फेसबुक पेज भी ज्वाइन कर सकते हैं एंड फेसबुक ग्रुप भी। तो थैंक यू।